हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड होपफुली आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो आज हम आए हैं छत पर, हम छत पे आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। हम क्या, अभी तो सिर्फ मैं ही आई हूँ फिलहाल, नंदिनी आ रही है मेरे साथ में। हम दोनों कोलैबोरेशन करेंगे, मतलब एक साथ में। सो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे, वैसे बारिश का मौसम हो रहा है। ये देखो कितना प्यारा स्काई हो रखा है इस टाइम, यार बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है। बारिश आने की संभावना है और आएगी भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है इस टाइम। तो मैं बनाती हूँ वीडियो, पहले नंदिनी के बिना मैं शूट कर लेती हूँ कुछ सिंगल वीडियोज़ यूट्यूब के लिए, जल्दी से जाकर के उनको प्यार दें। अभी तक तो अपलोड कर भी दी होंगी मैंने। और चैनल पर नया आए हो तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्यारे प्यारे से, क्योंकि मुझे उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, पॉजिटिव कमेंट्स ही करना। और मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में मैं ये भी बोलूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मतलब जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपका ये है, आप कैसे मतलब अंडरवेयर के साथ प्रोस्थेटिक लेग पहनते हो, ये सारे क्या बोला तूने वाहियात क्वेश्चंस मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी प्रोस्थेटिक लेग या मेरी वन लेग जो मेरी इस टाइम जिंदगी चल रही है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, तो आप इसके नीचे कमेंट छोड़ दें और मैं अगली वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगी। वो वीडियो हमारी क्यू एंड ए हो जाएगी। सो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद में जब नंदिनी आ जाएगी। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जी, तो नंदिनी भी ऊपर आ चुकी है, ये देखिए। और अभी हम डांस ही कर रहे थे, मतलब कि रील्स वगैरह शूट कर रहे थे, और हमारी हालत देख सकते हो आप, ये हो चुकी है। टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सनलाइट जाने वाली हमारी जो नेचुरल लाइट है, इसलिए हम जल्दी से शूट कर लेते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में वीडियो शूट करना कितना ज़्यादा कठिन होता है। और आप लोग प्यार नहीं देते हो तो दुख होता है यार बहुत ज़्यादा। इसका भी शक्ल देख लो, ओए पानी पी रही है वो, उसको गर्मी लगाई और मेरे को भी बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमको। ओके, ये हमारी मेहनत है गाइस, मेहनत। अच्छा बक ढंग से नहीं कर रही बदतमीज औरत। कुम्मा ये वाला आइडिया बहुत ही बेकार है तेरा, करंट वालों क्यों अरे ये बंद कर, कितना चलाएगी व्लॉग। आ गई आंधी और हमारी यहाँ वीडियो बन भी नहीं पाई है, और यहाँ आ चुकी है आंधी। जितनी बननी थी मतलब थोड़ी बहुत बन गई है यार, लेकिन आंधी आ गई और हवा से आवाज भी नहीं आई है मेरी आप लोगों के पास में। एक वीडियो बना लिया, जल्दी से आकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और जल्दी से जल्दी जाके प्यार दो उस वीडियो को बहुत 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 सारा, ठीक है। और देखते हैं अब नीचे जाके क्या करना है, नहाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, सारे बाल मिट्टी में हो गए,
काश की बूंद पड़ जाती तभी आंधी आती तो मजे आते, लेकिन अभी कोई भी मजे नहीं आ रहे हैं। मैं आउटफिट दिखा देती हूँ हम दोनों बहनों का आपको तब तक, ठीक है? ये मैं आउटफिट दिखाती हूँ आपको हमारा। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा ये देखो ये हालत होती है व्लॉगर्स की और इन्फ्लुएंसर्स की। आज ये लेकिन एंजॉय करने वाला इंसान कहीं नहीं रुकता, हम यहाँ भी इसमें भी एंजॉय करेंगे। मैं आपको पहले हालात दिखा देती हूँ आसपास के कितने अच्छे हो रहे हैं, ठीक है? अभी रुको, ये बाल देखो मेरे, कबूतर का घोंसला तो भी इनसे अच्छा लगता है इस तरह से उड़ता हुआ। बालों की हालत देखो, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के ट्रीज वगैरह तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस तरह की आदियों में ट्रीज टूट जाते हैं। मैं उड़ी मेरा फोन उड़ गया। मैं दिखाती हूँ आपको हालात यहाँ के, बाल देखो मेरे बाल को, ये देखो आप यहाँ के हालात देखो, ये बिल्कुल भी यहाँ देखिए मिट्टी बिल्कुल नहीं हो रही है। ये देखो कितना गंदा हो गया सारे में जी। नंदी चल मस्ती कर ले थोड़ी सी। आउटफिट है ये देख लो आज का, छोड़ देना बाल, हवा को खेलने दे अपनी जुल्फों से। इधर आ इधर, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप इसको याद करके बताना ये किसकी एक्टिंग करी है हमने। आंखों में बिल्कुल धूल नहीं गई है। यहाँ मम्मी खड़ी है गेहूं को इस टब में डालने के लिए, ये टब उड़ के मम्मी से दूर भाग रहा है। ये देखो ओ पानी की बोतल देखो कहाँ उड़ गई है। कटनूश बहुत गंदी हालत हो रही है यार, बाल बाल सब गंदे हो गए सब। तेरे पास कुछ है नहीं बालों में लगाने के लिए, ये है ना स्क्रंची।
जहाँ जा रही है वहीं वहीं। ओए नीचे गई। अब मेरे आंखों में बाल नहीं आएंगे। अच्छी लग रही है। जी। यार स्क्रंच निकल जाएगी, लूज है, एक और बार लगा। और अभी तक ये आंधी बंद होने का नाम नहीं ले रही है यार। देखो आधा तो हो गया आराम से। फोन देखो अभी मेरे मुंह के पास उड़ के आ रहा था। हम दोनों बहने यहाँ बैठे हुए हैं एक जैसे कपड़े में। बिल्कुल कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखो बेचारे हवा से उड़ भी नहीं पा रहे हैं। देख ठीक से, ये देख बेचारे हवा से ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे बेचारे कौवे और पक्षी। बगुला था बेचारा, वो बगुला बेचारा वहां इतनी दूर से आया और बेचारा उड़ उड़ के पता नहीं अब कहाँ पहुंच गया, दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया वो। होपफुली मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही हो। वैसे तो मैं काफ़ी तेज़ बोल रही हूँ लेकिन ये हवा मुझसे बहुत तेज़ है तो शायद ये काट दे मेरी आवाज़। अब नीचे जाएंगे पता नहीं कब, मिट्टी में तो होएगा। नंदिनी बोल रही थी नीचे जाने का, मैंने कहा मिट्टी में होगा, मज़ा ही ले लेते हैं आंधी का, कहीं ना रोज़ रोज़ ऐसी हवा मिलती खाने को, नेचुरल एयर। मम्मी मुकेश जोगिंदर वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पर, मज़ा ही। तो हम लोग नीचे आ गए और मैंने नहा भी लिया। इतनी गंदी हालत हो गई थी, इतनी घिन आ रही थी यार, लिटरली मतलब इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी उसकी वजह से। एंजॉय तो किया हमने आंधी को लेकिन बहुत गंदी और घिन आ रही थी मेरे को, तो इसलिए नीचे आके मैं नहाई। अभी नंदिनी नहा रही है, उसके आने के बाद मिलते हैं फिर। तो यहाँ ये नंदिनी भी आ चुकी है नहाकर और ये खाना वाना भी खाने लगी है। तो अब इसी के साथ में हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि आगे करने को खास कुछ है नहीं, रात भी हो चुकी है। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।